जय मसीह की। हम कहते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। हाँ, सचमुच में प्रभु हमारे साथ बने रहते हैं, पर क्या हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं या हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं? आइए हम इस वचन को देखेंगे। पहला शैम्बल उसके हम देखेंगे 16वां अध्याय और उसके 14th पद में लिखा हुआ है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। यहोवा की ओर से, परमेश्वर की ओर से जो आत्मा, जो अच्छा और भला आत्मा शाऊल के पर था, वो उठ चुका था अब। और अब क्या हुआ था कि यहोवा ही की ओर से जो था एक दुष्ट आत्मा शाऊल को घबराने लगा, उसे परेशान करने लगा। और ऐसा हुआ कि जब शाऊल इस बात को के लिए परेशान हो गया, तो उसके कर्मचारियों ने बोला कि ऐसा करो कि जो हमारे राज्य में एक व्यक्ति है, वो बड़ा रूपवान है और वो परमेश्वर उसके साथ साथ बना रहता है, और जब वो वीणा बजाएगा तो जो दुष्ट आत्मा है वो आपके पास से निकल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। आज परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बना रहता है, तो हम परमेश्वर के संग संग चलते हैं, परमेश्वर के साथ साथ बने रहते हैं। पर जब हम परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं, और जब कभी हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तो वो ऐसा भला परमेश्वर है कि वो हमारी प्रार्थना को सदैव सुनता है और अपने लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर आपका और हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, पर हम परमेश्वर का साथ छोड़ देते हैं और दुष्टता हमारे अंदर आ जाती है। लिखा हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और परमेश्वर की ओर से ही एक दुष्ट आत्मा उसे सताने लग गया। परमेश्वर में जब हम बने रहते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बना रहता है, परमेश्वर की बातें हमारे अंदर बनी रहती है। तो ये आज आपकी चॉइस है कि आप किस में बने रहना चाहते हैं। और जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, तो दुष्टता, बुरी बातें, बुरा व्यभिचार, लोभ, व्यभिचार, तरह तरह के पाप हमारे जीवन में आ जाते हैं और तरह तरह की दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर में पाप के रूप में समा जाती है। परमेश्वर का आत्मा हम सबके अंदर पाया जाए, इसके लिए परमेश्वर में बने रहना बहुत जरूरी है। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, निर्गमन उसके 8th चैप्टर उसके पहले पद में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कहे, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे जिससे वे मेरी उपासना करें। परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर मूसा के जरिए से इसराइलियों को फिरौन के हाथों से छुड़ाना चाहता था, मिस्र के हाथों से छुड़ाना चाहता था, मिस्र की गुलामी से बचाना चाहता था। इसलिए क्योंकि परमेश्वर के को चाहिए था कि परमेश्वर की उपासना इसराइली के द्वारा हो, परमेश्वर की उपासना उन लोगों के द्वारा से हो जिनको वो गुलामी के बंधन से आजाद करना चाहते थे। आज परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि जब परमेश्वर हमारे बंधु हमें आजाद करे किसी बंधन से, किसी बीमारी से, किसी तकलीफ से या किसी परेशानी से, तो परमेश्वर की ये चाहत होती कि परमेश्वर की उपासना वो व्यक्ति, वो इंसान करने वाला हो सके, परमेश्वर की आराधना करने वाला हो सके, परमेश्वर के नजदीक आने वाला हो सके और अपना जीवन उसके हाथों में देने वाला हो सके, उसके अनुसार चलने वाला हो सके। इसराइलियों को परमेश्वर ने इसलिए छुड़ाया कि परमेश्वर की उपासना इन लोगों के द्वारा से होने वाली हो सके। परमेश्वर को हमारे जीवन से कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर को चाहिए कि हमारा जीवन उसके अनुसार हो, हम उसके अनुसार पवित्र हों। और जब परमेश्वर हमें बंधनों से आजाद कर दे, तो हम उसकी महिमा उस तरह से करें जैसे वो चाहता है। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे एक बार फिर से, निर्गमन उसके 7वें अध्याय और उसके हम देखेंगे 4th पद में लिखा हुआ है कि जब मूसा और हारून इसराइलियों को बचाने के लिए मिस्र देश में गए और उनको वहां से फिरौन के हाथों से निकालना चाहते थे, तो परमेश्वर ने फिरौन के मन को और कठोर कर दिया। लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं इनके मन को और कठोर कर दूंगा और वहां पर फिर मैं अद्भुत अपने चमत्कारों को दिखाऊंगा। आज परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर कई बार ऐसे लोगों के मन को और कठोर कर देता है और हटीला कर देता है, ताकि परमेश्वर अपनी सामर्थ को उस स्थान पर प्रकट कर सके, ताकि हम लोग इस बात को जानने पाए कि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है और वो अपने अद्भुत और आश्चर्य कर्मों के द्वारा और अपने सामर्थ भरे हाथों के द्वारा अद्भुत काम को कर सकते हैं। और प्रभु परमेश्वर ने वहां पर अद्भुत काम को किया, परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र देश से बचाया और फिरौन के हाथों से छुड़ाया, पर परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को ये लोग देखने पाए और जानने पाए। और फिरौन ने भी इस बात को देखा कि कैसा इनका बड़ा और महान परमेश्वर है। इसलिए जब परमेश्वर किसी भी बात में किसी के मन को हटीला कर दे या उसके मन को ना बदले, तो इसका मतलब समझ जाए कि परमेश्वर वहां पर अपने अद्भुत काम को करना चाहते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों को कैसे मल्टीप्लाई किया। परमेश्वर ने रोटियों को तोड़ तोड़ के चेलों को दिया और चेलों ने जो जितने भी लोग जमीन पर बैठे हुए थे, जिनको पारी पारी करके बैठा दिया था, बांटा और ये मल्टीप्लाई हो गई।
पर परमेश्वर वचन आज हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष का कारण ठहराता है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चुना कि दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरे। परमेश्वर ने अपने चेलों को चुना जो परमेश्वर के रास्ते पे चलते थे कि वो दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरे। और प्रभु यीशु मसीह ने वो रोटियां चेलों को दी ताकि चेले दूसरों को बांट सके और दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहर सके। इसी तरह से जो परमेश्वर के लोग होते हैं, परमेश्वर के रास्तों पे चलते हैं, उसके वचनों को फॉलो करते हैं, वो दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरते हैं। जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहाँ वहाँ वो आशीषों को लेकर के जाते हैं और उन स्थानों पे आशीषें फलती हैं और लोगों को परमेश्वर के नजदीक लाने में भी मदद करते हैं। तो परमेश्वर ने आज आपको और मुझको जो परमेश्वर के लोग हैं अनकॉमन नहीं ठहराया। कॉमन नहीं ठहराया, परमेश्वर ने हमें अनकॉमन ठहराया है और हमें हम अनकॉमन होते हुए हम लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरते हैं और लोग उससे तृप्त होते हैं और परमेश्वर के नजदीक आ सकते हैं। परमेश्वर के वचन से आप सबको आशीषें मिले। जय मसीह की।